नोएडा के एसएल टावर में मेंटेनेंस नहीं होने से लिफ्ट खराब हो गई और इस दौरान 12 से ज्यादा छात्र लिफ्ट में फंस गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस बीच लिफ्ट के खराब होने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि स्टूडेंट्स की छुट्टी हो गई थी, ज्यादा स्टूडेंट्स लिफ्ट पर सवार हो गए थे, जिससे लिफ्ट रुक गई और फिर वो सभी लोग लिफ्ट में फंस गए। लगभग आधा घंटा लग गया, लोग वहीं पर फंसे रहे, लिफ्ट रुकी रही। पुलिस अभी मौके पर पहुंच गई, फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिशियन वहां पर पहुंचा और लिफ्ट का दरवाजा खोल करके सभी छात्रों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। स्टूडेंट छुट्टी हुई थी तो ज्यादा लोग फंस गए उसमें लिफ्ट में, 12-14 बंदे थे तो बीच में रुक गई लिफ्ट, और बीच में रुकने के बाद में तो 10-15 मिनट के लिए वो ब्रेक हो गई, बस इतना ही था। वो इलेक्ट्रीशियन आया, उसने निकाल दिया बस। अब आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की करते हैं, जहां आज मकर संक्रांति के मौके पर संगम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति पर माघ मेले में तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है और इसे लेकर योगी सरकार ने खास इंतजाम यहां पर किए हैं। माघ मेले में आज मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। आपको बताएं कि बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। पहली बार माघ मेले में लगभग 700 मेला मित्र लगाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं की मदद करेंगे और नजर भी आएंगे ग्राउंड पर। तो चलिए, ग्राउंड पर हमारी सहयोगी पूजा मौजूद हैं और उनसे ही जानकारी लेते हैं कि माघ मेले का स्नान, ध्यान और वहां जिस तरीके का माहौल है, दिखाएं और बताएं पूजा। देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, उन्हें बयां करना वाकई शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह 5:30 बजे जब हम यहाँ पर पहुंचे, उस वक्त पर घना कोहरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, चंद कदमों की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसी उम्मीद थी कि 40 से 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन जिस तरीके से दिन बढ़ रहा है, लग रहा है कि जो 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं की संख्या बताई जा रही थी, ये उसको भी पार कर सकती है। आप ये तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से आपको जगह जगह पर केवल और केवल लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही होगी। हम ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन एबीपी गंगा के कैमरे के जरिए हम दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, घने कोहरे के बीच, इतनी सर्दी के बीच आस्था की डुबकी लगाते ये श्रद्धालु। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व, खास महत्व इस दिन का माना जाता है। जो लोग इस दिन स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं और वो हर मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है। गंगा मैया उनकी हर इच्छा को पूर्ण करती है और यही श्रद्धा, यही भाव लोगों के बीच है और इसी को लेकर लोग आज संगम घाट पर पहुंचे हैं और यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरफ देखिए, नावों का संचालन सुबह के वक्त तो घना कोहरा था चूंकि शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब आप देखिए, अभी भी आपको कोहरा जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन बावजूद इसके देखिए नाव के जरिए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप जरा देखिए किस तरीके से घने कोहरे के बीच भी लोगों का जो श्रद्धा भाव है वो कहीं पर भी कम नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो आज यहाँ पर आकर महसूस कर रहे हैं, व्यवस्थाओं से कितने खुश हैं, क्योंकि जितने भी लोगों से हमारी अब तक बात हुई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं? हम यहाँ पे नैनी से आए। कहाँ से आए हैं? नैनी से। नैनी से आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोहरा बहुत ज्यादा था सुबह के वक्त? हाँ सर। लेकिन उसके बाद भी स्नान किए लोग यहाँ पर? हाँ सर। अकेले आए हैं आप? हाँ। अकेले आए हैं। हाँ। देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल कहाँ से आए हैं? मैं कटनी जिला से। कहाँ से आए हैं? एमपी कटनी जिला। कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, सुबह बहुत कोहरा था। हाँ जी। कुछ नहीं देख पा रहा था सामने क्या कैसा रास्ता है, जस्ट थोड़ा सा सूर्य उदय हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कोहरा छट रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कम से कम यहाँ 40 से 50 लाख नहा रहे हैं यहाँ, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। आने से पहले तो ऐसा ठंड लग रहा था कि नहीं, लेकिन गंगा मैया की ऐसी कृपा की ये बनियान में ऐसे खड़े हैं और इतना अच्छा लग रहा है, माँ की कृपा की एक भी ठंड नहीं और बहुत आनंद आ रहा है। ये गंगा माँ की कृपा है कि बिल्कुल भी ठंड का कुछ नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दी नहीं लग रही है एकदम। देखिए, ये लोगों की श्रद्धा है, जो इतने घने कोहरे के बीच भी इनको सर्दी नहीं लग रही है, कुछ ये युवा हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है यहाँ?
बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे आकर, बहुत ज्यादा। किसके साथ आए हैं? हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं। अच्छा, अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा। इंतजाम कैसे हैं? इंतजाम बहुत ही, सरकार का बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है इस बार। हर बार से कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इस बार थोड़ा गंगा में साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, ये महिला है हमारे साथ, इनसे बात करना बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है। मैडम कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद के रहने वाले, रेल पार से आए हैं। तो पहली बार आई हैं यहाँ पर? नहीं, हमेशा आते हैं, माघ माघ में आते हैं। इस बार कुछ अलग लग रहा है यहाँ पर? जी। क्या अलग? अरे मेला मतलब बहुत कम है, पहले जैसा नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी हैं, इंतजाम कैसे हैं? अच्छा है, अच्छे किए गए। हाँ, डुबकी लगाए, स्नान किए हैं? जी। ठंड लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। नहीं नहीं, क्या बात है। देखिए इतने घने कोहरे के बीच और ये जल इतना शीत है, इतना ठंड है, ठंडा है, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके के इंतजाम खास तौर पर यहाँ पर किए गए हैं, मकर संक्रांति के दिन चूंकि नहाने का बहुत ज्यादा खास महत्व रहता है, दान पुण्य का इस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है, ऐसे में जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है उससे लोग बहुत ज्यादा खुश है। ये देखिए आस्था की डुबकी लगाते ये लोग, युवा, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, सब यहाँ पर, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि ठंड की अनुभूति हमें नहीं हो रही है क्योंकि गंगा मैया ने हमें यहाँ पर बुलाया है और इसी आस्था के साथ ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग, सुबह सुबह सबसे पहले पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर नजर आए। संगम तट पर शाही स्नान का विशेष महत्व है और सुबह सुबह तो और भी महत्व इसका बढ़ जाता है। आज के दिन स्नान, दान, ध्यान का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। शुक्रिया पूजा आपका, पूरी जानकारी के लिए, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। कानपुर से खबर है, दबंग कितने हो चुके हैं बेखौफ, इस बात का अंदाजा लगाइए, गुंडई पर उतारे हैं। ताजा मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, संजय गांधीनगर, जहां शुक्रवार देर शाम दबंगों ने एक मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार दबंगों ने जमकर पत्थरबाजी की, बम चलाए, कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए ये दबंग किस तरीके से दबंग हो गया। मैं ऑफिस से अपना काम खत्म करके आ रहा था तो कुछ आजगरता लड़कों ने यहाँ पे बमबाजी करी। रोज का काम है, कभी दो चार दिन में लड़ाई झगड़ा करना किसी से, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इनका यही मोहल्ले में काम ही है। रजत ठाकुर नाम है और पांच छह इनके गैंग है जो 10-12 लड़कों के साथ चलता रहता है 24 घंटे का। आज मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया तो दो लोग बेचारे इनको समझाने गए, उन पे भी मारपीट करी। ऑटोसैट 2 सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के अध्ययन के बाद इसरो ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ जल्द ही धस सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ शहर तेजी से धस रहा है। 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर नीचे धसा। अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक शहर धसने की गति काफी कम रही, इस दौरान जोशीमठ शहर 9 सेंटीमीटर नीचे धसा। सेंट्रल जोशीमठ टाउन, सेना का हेलीपैड, नरसिंह मंदिर के आसपास का क्षेत्र तेजी से धस रहा है। जमीन धसने का केंद्र 2180 मीटर की ऊंचाई पर जोशीमठ ओली रोड के पास है। मतलब ये कि दिसंबर के बाद से जमीन धंसने की गति तेज हुई जो लगातार जारी है। इस बीच जोशीमठ में असुरक्षित घोषित किए गए होटलों को हटाने का काम जारी है। दोनों होटल को धीरे करके मैनुअल तरीके से डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। होटल मल्हारी इन और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने के लिए इमारत के ऊपर का भार धीरे धीरे कम किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि फिलहाल किसी घर को तोड़ा नहीं जाएगा, अब तक 90 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने से प्रभावित परिवारों को मदद के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जोशीमठ को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रभावित परिवारों के विस्थापन और मदद को लेकर फैसला लिया गया। विस्थापन के लिए कोटी फार्म, पीपल कोटी, गौचर समेत 4 जगहों को चिन्हित किया गया है। विस्थापन के लिए प्रभावित परिवार को 950 रुपए या मूल किराया दिया जाएगा। खाने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 450 दिए जाएंगे। पशुओं के विस्थापन के लिए 15,000 रुपए, बड़े पशु को खाने के लिए 80 रुपए, जबकि छोटे पशु के लिए 45 रुपए सरकार देगी। प्रभावित परिवार को बिजली और पानी के बिल अगले 6 महीने तक नहीं देने होंगे। कि नगर पालिका में उन परिवारों को यहाँ पर रखा गया है जो दो होटलों को तोड़ने का क्रम जारी है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास के रहने वाले लोग थे जो प्रभावित बिल्कुल हो चुके हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ के हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी हिल स्टेशन का सर्वे कराने का फैसला किया है। इस बीच मदद के रूप में प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की राशि सरकार ने जारी कर दी है। जोशीमठ में अब तक 760 घरों में दरार की पुष्टि हुई है। 128 घर सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। 169 परिवारों के 589 लोग विस्थापित हुए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए 51 भवनों में 344 कमरों की व्यवस्था की गई है।
जोशीमठ पर आपदा के बीच कर्णप्रयाग श्रीनगर में संकट अब गहराने लगा है। कर्णप्रयाग में जमीन फटने और घरों में दरार दिखने पर प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को घर खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं, लेकिन मुआवजे की घोषणा न होने से लोग आक्रोशित हैं। प्रभावित परिवारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जो नोटिस का दूसरा अर्थ है कि ये नोटिस का कागज का टुकड़ा ये इनका भविष्य नहीं हो सकता है। इस कागज के टुकड़े में जो लिखा गया है वो जमीन पर कहाँ है, ये कहाँ जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। जमीन धंसने की घटनाओं ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर सवाल उठा दिए हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर है। इसमें 105 किलोमीटर रेल ट्रैक सुरंग के अंदर से गुजरेगा। रेल परियोजना के लिए 17 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। अब इन्हीं सुरंगों के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुरंगों के निर्माण के लिए पहाड़ों को विस्फोट के जरिए तोड़ा जा रहा है, जिससे घरों में दरारें पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या कहें, हमारे पास ऑप्शन क्या है, कहाँ जाएं, हम क्या करें? हम सरकार से मांग कर सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं? और हम जैसी स्थिति में, बड़ी मुश्किल से हमने ये बनाया, उसके बाद हम क्या करें? स्थानीय लोगों के विरोध के बीच गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार ने साफ किया कि विशेषज्ञों की टीम जायजा ले रही है, रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अमेरिका इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। पहले अमेरिका में बॉब तूफान तबाही मचाई उसने, अब टॉर्नेडो अमेरिका पर आफत बरसा रहे। अमेरिका के अलबामा राज्य में जब से टॉर्नेडो ने भीषण तबाही मचाई है, सेल्मा शहर में काफी नुकसान हुआ है, कई घर टूट गए हैं, बिजली की लाइन और पेड़ गिरने से सड़कों पर आवाजाही बंद है। अलबामा के ऑटोगी काउंटी में टॉर्नेडो के चलते 6 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि बवंडर में उड़ने वाले सामान के नीचे दबने से सभी की मौत हुई, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। टॉर्नेडो से 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अलबामा में अब तक 23 टॉर्नेडो दर्ज किए गए हैं। अलबामा की 6 काउंटी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सेल्मा, डलास, ऑटोगा में इमरजेंसी लगा दी गई है। जॉर्जिया और मिसिसिपी में बवंडर ने तबाही मचाई है। अब तक 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। टॉर्नेडो के चलते अलबामा में 40,000 और जॉर्जिया में 86,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। अलबामा में सड़कों पर गिरे पेड़ को हटाने का काम जारी है, बिजली लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दोबारा से टॉर्नेडो आने की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन के साथ लंबे वक्त से चली आ रही लड़ाई के बीच रूस की ओर से सेलेदार शहर पर कब्जा का दावा किया जा रहा है। इस तस्वीर में खंडहर हो चुकी इमारतों के बीच रूस समर्थित पीएमसी के जवानों को देखा जा सकता है। इनमें एक जवान बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर पीएमसी का झंडा फहरा रहा है। इन तस्वीरों पर रूस का दावा है कि पीएमसी ने यूक्रेन के सोलोदार शहर पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में शहर के बाहर रूसी टैंक भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक रूस के इस दावे पर यूक्रेन की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। सोलेदार शहर पर नियंत्रण को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से संघर्ष जारी था। दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही थी, जिसमें शहर की तमाम इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन्हें इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। सोलेदार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बखमुत शहर के पास है। सोलेदार के नमक खनन के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि अगर रूस ने सोलेदार पर नियंत्रण हासिल कर लिया तो इसका सीधा मतलब है कि पूर्वी यूक्रेन के महत्वपूर्ण क्षेत्र डोनेत्स्क पर रूस ने संपूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से संघर्ष जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।